प्रिय छात्रों, व्याकरण की उस श्रृंखला में पिछले वीडियो में आपको रस के विषय में बताया गया था, उसी श्रृंखला में आज छंद के विषय में बात कर ली। छंद आपके दो नंबर के आते हैं, जैसे रस दो नंबर के थे, छंद भी दो नंबर के हैं। छंद क्या होते हैं? छंद काव्य में यति, गति, लय, तुक, मात्रा, गुण आदि का बंधन होता है, उसे छंद कहते हैं। जो काव्य होता है उस काव्य में जहाँ पर यति लगानी है, यहाँ पर इसकी गति इतनी होगी, इसकी लय इतनी है, इसकी तुक इतनी है, मात्रा इसमें इतनी है, गण या वर्ण इसमें इतने है, इस प्रकार से जो बंधन रहते हैं उसे हम छंद कहते हैं। छंद का अर्थ ही होता है आवरण या बंधन। काव्य को हृदय ग्राही व प्रभावशाली बनाने के लिए हम अपने भावों को छंदबद्ध करते हैं। जो हमारे भाव हैं उन भावों को हम प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो उन्हें हमें छंदबद्ध करना होता है। वो छंदबद्ध करने में हमें लययुक्त, संगीतात्मक और सुव्यवस्थित और नियोजित करते हैं। छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों का क्रम अथवा मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। जो छंद के चरण होते हैं, हर एक चरण में, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या निश्चित होगी या फिर मात्राओं की संख्या निश्चित होगी। छंद के तत्व, छंद के चार तत्व होते हैं। नंबर एक वर्ण, जो आपको बताया गया, वर्ण कहते हैं जिसे अक्षर कहते हैं, या ये कहिएगा कि जो हमारे मुख से ध्वनि निकलती है उस ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए चिन्हों को बनाया गया है, वही चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। फिर स्पष्ट कर ले, मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे सूचित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक रस और दीर्घ। दूसरा तत्व है मात्रा। मात्रा क्या होती है? जो हमारे जितने भी उच्चारण हैं, किसी भी वर्ण को हम इस अपने तरह से मुक्त रूप से नहीं कह सकते, उसमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी देर लगानी पड़ती है, अर्थात मात्रा को वहीं पर प्रयोग हो जाता है। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जो भी वर्ण आप उच्चारण करेंगे, कोई भी वर्ण बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। जिस वर्ण को हम उच्चारण करते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर होता है, और वह स्वर उसमें लगने वाले समय के आधार पर ही निश्चित किया जाता है तो वो स्वर कैसा है। तीसरा तत्व यदि छंद की एक लय होती है, उसे गति या प्रवाह भी कहते हैं, उसे गति भी कहते हैं, उसको प्रवाह भी कहते हैं। कि लय होती है छंद के चरण के अंत में या मध्य में जो विराम होता है उसे यदि कहा जाता है। जो छंद पढ़ते हैं, छंद में कहीं ना कहीं कोई विराम लगा होगा, कोमा लगा होगा, वही उसको यदि कहते हैं। चौथा तत्व है चरण। छंद की एक पंक्ति का नाम पाद या चरण कहलाता है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को सम कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद तीन प्रकार के होते हैं, एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद और दूसरा होता है मुख छंद। वर्णिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें वर्णों की अनुवाद की जाती है। वर्णिक छंद वह छंद होते हैं जिनमें वर्णों की गणना की जाती है। मात्रिक छंद वह छंद होते हैं जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है। और मुख छंद वो होते हैं जिनमें गणना का कोई वो नहीं, जैसे आजकल की जो कविता लिखी जाती है ज्यादातर मुख छंद में लिखी जाती है। अब आपके कोर्स में ना तो वर्णिक छंद है और ना मुख छंद है, केवल मात्रिक छंद है। इसलिए आप लोगों से आज चर्चा होनी है, आप लोगों को पढ़ाना है, आप लोगों को समझाना है, वो मात्रिक छंद समझाना है। मात्रिक छंद जिनकी रचना में चरण की मात्राओं की गणना होती है, चरण की मात्राओं गणना होती है। यहां पर वर्ण नहीं कह रहे, मात्रा कह रहे हैं। जो चरण तो समय होते हैं लेकिन चरण है उस चरण में केवल हम मात्राओं की गणना करते हैं। दोहा, सोलह, चौबाई,
रोला पाल ये मात्र चंद हैं। अब इन दोहा सोढ़ा चौपाई रोला में संभवतः दोहा और चौपाई आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपकी इस कक्षा में जो कोर्स में है वो सोढ़ा है और रोला है। इसे रोला और सोढ़ा को देखिएगा, सोढ़ा छंद यह अर्ध सम मात्र छंद है। अर्ध सम आधे आधे पर सम होता है, पूरे 24 मात्राओं पर नहीं, बीच बीच में होता है। चलिए अर्ध कह दिया गया, अर्ध सम मात्र छंद है। यह दोहा छंद का उल्टा होता है, जैसे दोहे में आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक ये सोढ़ा दोहा का उल्टा होता है, इसमें उल्टा हो गया कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मैंने आपको जानबूझ करके उदाहरण लिखा है दोहे को सोढ़ा बनाते हुए। आप लोगों ने पढ़ा हुआ दोहा है यहां से, मेरी भव वाला हरो राधा नागर सोए, जाकर की झाई परे श्याम हरित दुत होए। अब आपने ये दोहा था, दोहे को ही मैंने पलट दिया, जो पहला चरण था वो दूसरा कर दिया, तीसरा था वो चौथा कर दिया, तो अब उसमें कर दिया मैंने यहां पर राधा नागर सोए, 11 मात्रा हो गया। आपने कौन आ गया, मेरी भव बाला हारो दूसरा चरण आ गया, तीसरा कर दिया, ऐसा चौथे को ला करके श्याम हरित दुत होए, और इसको हम कर दिया तीसरे को चौथे में जाकर के हो गया जा तन की झाई पड़े। दोहे से ही सोढ़ा बनाया, जो सही में ये दोहा था, लेकिन दोहे को आप लोगों को समझाने के लिए दोहे का कैसे उल्टा होता है उस दोहे को उल्टा करके मैंने यहां पर आपके सामने ये प्रस्तुत किया, इससे आपके समझ में आ जाए कि दोहे में और सोढ़ा में ये अंतर होता है। देखा है परीक्षा में आप जल्दबाजी में लिखते हैं, कभी कभी होता है आप वही दोहे के लक्षण लिख देते हैं और वो आपका नंबर चला जाता कट जाता है, इसलिए बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। एक नंबर का प्रश्न है, एक ही नंबर मिलेगा और गलत हो गया तो जीरो मिलेगा। विशेष ध्यान रखने वाली बात है आपके कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। और आगे आपका है रोला, ये सम मात्रिक है, ये सम मात्रिक छंद है, वो अर्ध सम था, ये सम मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 मात्राओं पर या 13 मात्राओं पर यदि का प्रयोग किया जाता है, कौन लगा रहता है, जैसे कि जैसे जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से मल में विधर्मी मुगल गुराजी जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी हैं, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। ये चार चरण हो गए, चार चरण में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं, यदि 11 पर या 13 पर लगी हुई। इस तरह से आपका रोला छंद स्पष्ट हुआ।